अक्षरा जी के पापा विपिन अंकल जो हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि आपको जब पता था कि पवन सिंह ऐसे हैं और इतनी शादियां हुई हैं उनकी और इतने बुरे हैं, तो फिर आपके बाप ने क्यों शादी की? अंकल, पता तो आपको भी था कि पवन सिंह ऐसे हैं, आप क्यों अपनी बेटी को अलाउ किए थे रिलेशन में रहने के लिए 2-3 साल? और जब आपकी बेटी इतनी ही टॉर्चर होती थी तो आप इतने अच्छे थे, तो आप क्यों नहीं अपनी बेटी को निकालते थे कि तुमको पवन सिंह टॉर्चर करते थे, तुम निकल जाओ? क्योंकि आपकी बेटी भी प्रेग्नेंट थी, एक हिसाब से उनके हिसाब से उनकी शादी भी हुई थी, तो आपकी बेटी क्यों शॉपिंग करा रही थी अपने हस्बैंड का? और अपने बॉयफ्रेंड का, वही बात कह रही हूँ कि आपकी बेटी क्यों शॉपिंग करा रही थी अपने हस्बैंड का, अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड का, कि मतलब क्यों कराई? वो तो प्यार में थी ना। तो वैसे ही जैसे वो पवन सिंह के प्यार में पागल थी ना, मैं अपने बाप की इज्जत के लिए पागल हूँ। मैंने भी कर लिया शादी जहाँ मेरे पापा ने बोला। मीडिया में आपने अक्षरा सिंह के पिता का एक इंटरव्यू देखा होगा जिसमें एंकर उनसे ये सवाल करते हैं कि ज्योति सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने अक्षरा सिंह और पवन सिंह के रिश्ते पर बात की है और साथ ही साथ उन्होंने ये एलिगेशन भी लगाया है कि अक्षरा सिंह उनसे इस तरह की बातें करती थीं और इस तरह से कहती थी, साथ ही साथ वो 3 महीने की प्रेग्नेंट भी थी और एबॉर्शन भी करवाया था। इस पर आपको क्या कहना है? तो अक्षरा सिंह के पिता ने भी बयान दिया। उनका कहना था कि ज्योति सिंह जो भी कह रही है वो झूठ है, क्योंकि मेरी बेटी अगर ऐसा कुछ करती तो मीडिया से बस थोड़े पाता। हाँ, उसको अपने पति से प्रॉब्लम है, अपने पति से बदला लेने के लिए जिस भी तरह का वो बयानबाजी कर रही है वो उसके आगे है। भाई, अब सबके मानसिकता पर डिपेंड करता है ना कि कौन कैसा है, कौन क्या बोलेगा। उनका पति उनके साथ कुछ गलत कर रहा है, उनका आपसी कोई झगड़ा है, तो वो मेरी बेटी को बेमतलब का पीस रही हैं और ऐसा होता आया है कि कोई भी मुद्दा हो मेरी बेटी बेमतलब पीसी जाती है। तो उनका उनके पति से जो भी है वो सॉर्ट आउट करना चाहिए और इस तरह से ऑन कैमरा मेरी बेटी को बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ज्योति सिंह को अगर पहले से ही पता था कि हाँ पवन सिंह की गर्लफ्रेंड है, पवन सिंह की पत्नी है, पवन सिंह का अफेयर है, तो उसने शादी ही क्यों की? हो सकता है कि पैसे को देख कर, पैसे की लालच में उसने पवन सिंह से शादी की हो और अब उसे वो नहीं मिल पा रहा हो जैसा वो चाहती है, तो वो अब इस तरह की बातें करके पैसे ऐंठना चाहती हो। तो इस तरह का बयान ज्योति सिंह के लिए अक्षरा सिंह के पिता ने दिया जब ये सवाल उनसे हुआ कि क्या आपकी बेटी वाकई में प्रेग्नेंट थी। हालांकि वो ये बात नहीं बता पाए पूरा क्लियरली कि थी या नहीं थी। इस पर ज्योति सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ज्योति सिंह ने यूट्यूबर मोहन से बात करते हुए एक कॉल रिकॉर्डिंग में कहा है कि जो उनके पिता ने कहा है उसका मैं जवाब देना चाहती हूँ। इंटरव्यू में अक्षरा जी के पिता ने कहा है कि ज्योति लालची है, पैसे के लिए पवन से शादी की है, क्योंकि उसको अगर पहले से ही पता था कि पवन सिंह का कई लड़कियों से अफेयर है, उसकी वाइफ ने सुसाइड किया है, वो शादीशुदा है, पहले से ही वो इस तरह का है, वो उस तरह का है, तो उसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी अगर उसने शादी की है तो इसका मतलब यही है कि वो पवन सिंह के पैसे को देखकर ही शादी की है। तो मैं अंकल को ये बोलना चाहती हूँ कि आपको अगर वाकई में ऐसा लगता है तो आप अपने सोच का इलाज करा लीजिए, क्योंकि मेरी फैमिली संपन्न है। अगर मुझे पैसे की ही ज़रूरत होती ना तो मैं काफ़ी हूँ, मेरे माँ बाप काफ़ी हैं, ठीक है। और जहाँ तक रही बात पवन सिंह से पैसे के लिए शादी करने की, तो आपकी बेटी कौन सी कम है? आपकी बेटी भी तो एक शादीशुदा आदमी के साथ घूम रही थी, प्रेग्नेंट भी थी। आपने क्यों नहीं रोक लिया? आपने क्यों नहीं कह दिया कि रुक जा, रुक जा, रुक जा, ये आदमी तेरे लिए सही नहीं है, ये आदमी अच्छा नहीं है, ये आदमी शादीशुदा है, इससे बात मत कर, इसके साथ रिलेशनशिप में मत आ। आपने क्यों नहीं मना कर दिया अपनी बेटी को? आप तो मना नहीं कर पाए। और आपकी बेटी भी तो ऐसी थी कि मतलब उनकी शादी किसी और से होने जा रही है तो वो अपने ही पति या सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड का शॉपिंग करा रही थी, शेरवानी खरीद रही थी, हल्दी लगा रही थी। ऐसा भी कोई करता है क्या? अगर आप इतना दम रखते हो तो आप अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते। अक्षरा सिंह को लड़ना चाहिए था, अक्षरा सिंह को कहना चाहिए था कि नहीं, मेरे साथ रिलेशनशिप में हो तो शादी भी मुझसे करो। क्यों वो एक और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहे थे और उन्होंने भी उनका साथ दिया। और तो और शादी के बाद मैं आई तो मुझे भी 2 साल तक उन दोनों ने मिलकर इस तरह से इतना टॉर्चर किया कि मैं बता नहीं सकती। तो अक्षरा सिंह के फादर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो मेरे लिए ये सब गलत बोल रहे हैं, जो उल्टे पुल्टे बयान दे रहे हैं, वो ना दें, मुझे पिंच ना करें, क्योंकि मैं उनकी लाडली बेटी का 1 महीने का कॉल रिकॉर्डिंग रखी हूँ और उसमें उन्होंने इतनी गंदी बातें बोली है ना कि अगर मैं सोशल मीडिया पर उन्हें ला दूँ तो वो वायरल होते देर नहीं लगेंगी और उसके बाद जो बेटी की उनकी और पवन सिंह की जो इज्जत उछलेगी वो सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं चुप हूँ तो मुझे उंगली ना किया जाए, क्योंकि सच्चाई क्या है ये सब जानता है। अब बारी दुनिया को दिखाने की है, तो अगर मुझे कोई पिंच करेगा तो मैं लोगों को बता दूंगी, क्योंकि मेरी कोई मजबूरी नहीं है चुप रहने की। मैं बस थोड़ा भला सोच के ही अभी तक चुप हूँ। ज्योति सिंह ने आगे कहा कि एक और चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, जैसे अक्षरा सिंह उस समय पवन जी के प्यार में पागल थी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुली थी, उसी तरह मैं भी मेरे बाप की इज्जत के लिए पागल थी और मैं मेरे बाप की इज्जत के लिए पवन सिंह से शादी कर ली, सब कुछ जानते बूझते। अब आप बताइए आपको क्या इस पर कहना है? क्या आपको ज्योति सिंह की बातें सही लग रही है? आप किसके साथ हैं? जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।